YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं हिमाचल की वादियों से आए हुए हमारे कुछ खास मेहमान, जो कि सिरसा में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए थे और हमने चाहा कि हम दर्शकों से उनको रूबरू ज़रूर करवाएं, क्योंकि यहाँ के जीवन में और हिमाली और यानी कि पहाड़ों के जीवन में बहुत अंतर है। तो आज हम उनसे जानेंगे कुछ ऐसी ही बातें कि वो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, एक पहाड़ी इलाके की रहने वाली हैं, वहाँ के जीवन में और यहाँ के जीवन में उनको क्या अंतर लगा। तो सबसे पहले आज हम आपको मिलवाते हैं हमारे खास मेहमानों से। हमारे साथ हैं ईशानी शर्मा और करुणा ठाकुर जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ईशानी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप पहाड़ी इलाके की रहने वाली हैं, तो वहाँ के जीवन में और इधर मैदानी इलाके के जीवन में आपको क्या अंतर लगा? जैसे कि मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम हिमाचल, तो मुझे हिमाचल और दूसरे एरियाज़ में बहुत डिफरेंस लगता है, क्योंकि मेरा हैबिटेट वहाँ का है। तो मुझे मैदानी एरियाज़ में आके थोड़ा सा अलग लगता है, नेचर अलग है हमारा, हमारे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जो पीपल हमारे आसपास के जो लोग हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है, लैंग्वेज में डिफरेंस आ जाता है, देयर इज़ लॉट्स ऑफ डिफरेंस। हम यहाँ पे सिरसा आए हुए हैं, तो हमारे जो हमने अटेंड किया, जो यहाँ का ट्रेडिशन अटेंड किया वो अलग है, हमारा ट्रेडिशन अलग है, तो हमें अच्छा लगा कि यहाँ का एज़ कंपेरिजन टू हिमाचल यहाँ का ट्रेडिशन भी हमें बहुत अच्छा लगा कि कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिला। और हिमाचल का नेचर वाइज अगर देखा जाए तो मुझे हिमाचल ज़्यादा पीसफुल एरिया लगता है, वहाँ पे ज़्यादा शांति है, इतना ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन वो व्हीकल्स या कुछ भी है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम उस पर है। तो मुझे हिमाचल में ये नेचर वाइज और एटमोसफेयर हमारा काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होती है मैदानी एरिया में, वहाँ मौसम बहुत। तो वहाँ के रहन सहन में भी काफ़ी फ़र्क है ना यहाँ के रहन सहन से, व्यवहार में लोगों के। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जैसे जब स्नोफॉल होता है, एट द स्नोफॉल टाइम दिसंबर में जैसे जनवरी में, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को जो बहुत पहाड़ी एरिया से। मैं तो काफ़ी ऐसे पॉश एरिया और सिटी में रहती हूँ, तो मुझे हमारे को कोई इतना प्रॉब्लम्स वो नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हाइट्स में रहते हैं जहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होती है, तो वहाँ के लोगों को तो सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। और ट्रैवलिंग के लिए कोई वो नहीं है कि वहाँ व्हीकल्स, अगर व्हीकल्स हैं भी तो स्नोफॉल में नहीं होता है, क्योंकि स्नोफॉल के लिए पहले क्रेन्स वगैरह बुलानी पड़ती है, कॉल्स करना पड़ता है, लाइट्स फैसिलिटीज़ का बंद हो जाती है, बहुत सारी दिक्कत आती है जो मैदानी एरियाज़ में बिल्कुल नहीं होती है। तो करुणा, आपको कैसा लगता है पहाड़ी इलाके के जीवन में और मैदानी क्षेत्र के जीवन में? पहाड़ी इलाका तो हमारे लिए ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा है, हमें बहुत अच्छा फील होता है वहाँ पे, और यू कैन फील द फ्रेश एयर, वहाँ पे बहुत फ्रेश फील होता है। यहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है ऑब्वियसली, और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ का भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी से बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पर पहाड़ों में घूमना बहुत अच्छा होता है। और जैसे कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बिजली का, पानी का, तो स्कूलिंग बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइटनिंग की अब उतनी प्रॉब्लम नहीं है, पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है कहीं कहीं, जो प्लेन पहाड़ी इलाकों में रहते हैं हम, ऑब्वियसली सिटी से हैं तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पानी की बहुत प्रॉब्लम है, बच्चों को स्कूल पैदल जाना पड़ता है, बहुत दूर 3-4 किलोमीटर पैदल जाते हैं, स्कूल पहुँचना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम। तो वहाँ पर फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं खेती में? बेसिकली जो हमारे हिमाचल में है, जैसे मेरे नानी साइड में मतलब फार्मर्स हैं, मामा वगैरह मेरे फार्मर्स हैं, तो वहाँ पे हमारे बेसिकली जो है फ्रूट्स, जो भी पोमोलॉजी जो भी होती है, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा उगाए जाते हैं। एप्पल हो गया, एप्पल हिमाचल में ही एप्पल बहुत ज़्यादा है, हमारी प्रोडक्शन एप्पल की ही होती है, तो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एप्पल, सारी वेराइटीज़ लगाते हैं एप्पल की, क्योंकि वहाँ पे एप्पल का जो उसको कंडीशंस चाहिए, रिक्वायरमेंट्स उसकी है, वो हिमाचल में ही है, तो एप्पल लगता है, लीची लगता है, हमारे स्ट्रॉबेरी लगती है, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट बगीचेज में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, प्लम वहाँ पर होता है, मतलब मैक्सिमम फ्रूटिंग वहाँ पर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू वीट, पैडी, ये बहुत ज़्यादा, ये हमारे आपके एरियाज़ में मैंने बहुत देखे, क्योंकि यहाँ पे उस अकॉर्डिंग जो है यील्ड भी ज़्यादा होती है आपकी फील्ड भी ज़्यादा है, हमारे टेरेस फार्मिंग होती है पहाड़ पे, छोटे छोटे खेत होते हैं, बहुत छोटे छोटे खेत होते हैं, तो वहाँ पे बगीचा ही लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ के मैंने देखा बगीचा था वहाँ पे, तो मैंने सभी फ्रेंड से भी पूछा तुम्हारे संतरा ज़्यादा होता है, बोलते हाँ हमारे यहाँ संतरे की प्रोडक्शन होती है, वैसे ही हमारे वहाँ पर बगीचे लगते हैं एप्पल के।
तो जैसे कि पहाड़ी इलाके में पानी की भी दिक्कत रहती है, यहाँ तो कुओं से और खेतों में वैसे भी काफ़ी पानी दिया जाता है, तो वहाँ पानी किस तरह से? हमारे जैसे होता है कि कहीं ना कहीं से ज़मीन से पानी आ रहा होता है किसी भी एरिया से, कईयों के घर के पास पानी निकल गया होता है तो कई मोटर्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं अगर पानी निकले, क्योंकि वहाँ पे होता है कब पानी ख़त्म हो ये भी पता नहीं होता है, वो रेगुलर वाटर नहीं होता है, बारिश के टाइम पे निकल जाएगा कभी भी। तो जब पैडी उसका टाइम आता है, राइस जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस टाइम पे या तो बारिश के पानी यूज़ करना पड़ता है अगर बारिश होगी एज सच, अगर बारिश डिले हो गई तो फिर हमें डिले करनी पड़ती है हमारी ट्रांसप्लांटेशन, और अगर बारिश का पानी नहीं हुआ तो हम फिर अपने घर से डायरेक्ट सप्लाई लगाते हैं पाइप से। बारिश के पानी को स्टोर भी करते होंगे वहाँ? हाँ स्टोर भी करते हैं, जैसे टैंक वगैरह बना के और वो ओपन रख के वहाँ पे बारिश का पानी कलेक्ट हो जाता है, ऊपर से कुछ उस पर बाद में ढक देते हैं। तो जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश की रहने वाली, पहाड़ी इलाके की रहने, तो जब आप लोग इधर आए, जैसे कहते हैं ना कि वेदर चेंज होता है तो हमारी तबीयत भी थोड़ी ख़राब होती है, तो आपको ऐसा कुछ हुआ पहाड़ी इलाके से आने के बाद जब आप इधर आए? फर्स्ट टाइम आप कब आए थे? फर्स्ट टाइम मैं 2014 में चंडीगढ़ आई हूँ, बिकॉज आई एम स्टडिंग इन चंडीगढ़ और आई एम परसुइंग BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई, मैं चंडीगढ़ में आई थी और मैं रात को पहुँची थी तकरीबन, और सीरियसली मुझसे इतना, मुझे बहुत हाइजीन में प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने खाना नहीं, मतलब जैसे खाया नहीं जा रहा था, भूख ही नहीं लग रही थी, क्योंकि वो थोड़ा वेदर प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा हो जाता है जब तक अभी हमें। फ़र्स्ट टाइम जब मैं जैसे ही आई तो मुझे गर्मी भी बहुत लगी, क्योंकि मैं आई समर्स में थी, जून जुलाई के टाइम, और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो फिर उस टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, AC में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन हो रही है, बहुत ही एग्जॉस्ट हो गया था चीज़ें, क्योंकि वहाँ तो सब नेचुरल एयर होता है, वहाँ नेचुरल एयर है और यहाँ पे तो पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा, धूल बहुत ज़्यादा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको वहाँ का जीवन ज़्यादा अच्छा लगता है या इधर का जीवन ज़्यादा अच्छा लगा आपको? ऐसे देखा जाए तो हिमाचल में अगर कोई ऐसे शांत, अगर वो तुम्हें कुछ वहाँ पे, क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत कम है, फैसिलिटीज़ देखो जितना हम बाहर जाएंगे वहाँ ज़्यादा होगी, तो बेसिकली हमारे हिमाचल वाले लोग यही करते हैं कि हाँ चंडीगढ़ भेज देते हैं। चंडीगढ़ इसलिए भेज देते हैं क्योंकि चंडीगढ़ थोड़ा नियर बाय भी है और थोड़ा कम पॉल्यूटेड है, और थोड़ा ऐसे है कि चंडीगढ़ में रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं, तो दैट्स वाई चंडीगढ़ हमारे पेरेंट्स भेज देते हैं क्योंकि नियर बाय भी है। और बाकी एज सच मुझे अपना हिमाचल ज़्यादा ही अच्छा लगता है, बिकॉज हम हिमाचल के ही हैं तो हमें लगता ही है कि हमें हिमाचल ही रहना चाहिए, बाकी बाहर वाले भी ऐसे कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। जैसे कि अब आप एजुकेशन के लिए चंडीगढ़ आए हुए हैं, तो हिमाचल प्रदेश वाली साइड में ऐसा कोई अच्छा कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ बच्चे स्टडी कर सके आगे हायर स्टडी? कई पेरेंट्स होते हैं बाहर नहीं भेजते बच्चों को। एक्चुअली हिमाचल में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं अभी BSc एग्रीकल्चर कर रही हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, जब मेरे 2014 में मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने एग्रीकल्चर CSK फ्रॉम पालमपुर वहाँ का भी एग्ज़ाम दिया था, बट वो क्रैक नहीं हुआ था। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटीज़ हिमाचल में भी बहुत अच्छी अच्छी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अच्छी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बिल्डअप करने के लिए एरिया नहीं मिलते लोगों को, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है, फॉरेस्ट्री बहुत है, तो उस वजह से लोगों को वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल्डअप नहीं हो पाती। थैंक यू ईशानी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, करुणा आपसे भी। तो दर्शकों, ये थे हमारे खास मेहमान जो कि हिमाचल प्रदेश से आए थे और इन्होंने बताया कि किस तरह से पहाड़ी इलाके का जीवन यहाँ के जीवन से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि वहाँ सब खुली हवा और ओरिजिनल एयर, फ्रेश एयर हमें मिलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो दर्शकों, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।